आज भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, परंतु ओलंपिक पदक तालिका में हम दुनिया के छोटे छोटे देशों से भी बहुत पीछे हैं। आप जो ये छोटी सी फिल्म देखने जा रहे हैं, वो ओलंपिक में खेले जाने वाले सभी खेलों के बारे में आपको न केवल परिचित कराएगी बल्कि आपकी उनमें अभिरुचि भी पैदा करेगी। तो आइए हम ओलंपिक खेलों की जानकारी का अपना सफर शुरू करते हैं। महाभारत के अर्जुन को पानी में लक्ष्य के प्रतिबिंब को देखते हुए तीर चलाने की कहानी कौन नहीं जानता। प्राचीन काल से 18वीं शताब्दी तक राजघरानों और क्षत्रियों की पहचान रही तीरंदाजी की कला का अब ओलंपिक्स खेलों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। तीरंदाजी के लिए चाहिए होता है एक मजबूत धनुष, कई सारे तीर और तीरों के लक्ष्य पर तकरीबन 40 मीटर की दूरी पर स्थिर एक गोल डिस्क। इस गोल डिस्क के भीतर होते हैं 10 संकेंद्रित वृत्त। धनुष को तान कर हवा के माध्यम से बल के साथ तीर को छोड़ा जाता है। तीरंदाज का लक्ष्य होता है बीच के सबसे छोटे वृत्त पर निशाना लगाकर अधिक से अधिक पॉइंट्स प्राप्त करना। एकाग्रता, संयम और धैर्य से आप भी एक अच्छे तीरंदाज बन सकते हैं।